नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनू चौहान। आप देख रहे हैं एनबीसी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। शासन सचिवालय में आयोजित शासी निकाय की बैठक में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत आयुर्वेद के मेडिकल ऑफिसर्स को तत्काल लगाने, चूरू, बीकानेर, भीलवाड़ा और अजमेर में एकीकृत आयुष चिकित्सालय शीघ्र क्रियाशील करने, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और यूनानी औषधि की आपूर्ति सुनिश्चित करने, औषधियों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पर्याप्त मॉनिटरिंग करने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस दौरान आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में आयुर्वेद, होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति की लोकप्रियता बढ़ाने और मेडिको टूरिज्म से जोड़ने के लिए जल्द ही 500 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर प्रारंभ किए जाएंगे। प्रदेश की रसायनशालाओं का भी सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। बैठक में कृषि एवं उद्यान विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा, चिकित्सा शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन, वन एवं पर्यावरण विभाग के सचिव बी परणीव, आयुर्वेद विभाग के शासन सचिव सुरेश गुप्ता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक नरेश ठकराल, वित्त विभाग की संयुक्त सचिव पूजा पार्थ, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक संजीव शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल एनबीसी न्यूज़।